हम लोग जो है केमिस्ट्री में सब्सिडरी का एक क्वेश्चन करेंगे, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है। आप ऐसे समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम ऐसा प्रॉपर्टी को कहेंगे इस विलयन में, ऐसा गुण जो कि डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करे, इसमें मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, मतलब इस विलेय अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कितना आसान है। इसको आप ऐसे समझो कि ऐसा प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है किस पर, इस सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है, बट टू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की पहचान पर ये डिपेंड नहीं करता है। इसको देख करके आप बोलना सीखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर प्रॉपर्टी डैट, मतलब सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, गुण है, जो जो डिपेंड अपॉन, जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, बट डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है, किस पर, द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, ये सॉल्यूट पार्टिकल के आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बस इसी को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब आपको जानना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें किसमें लगता है, किसमें किसमें नहीं लगता है। हम दो चार का नाम देख लेते हैं, किसमें किसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्लूड है कि नहीं है, इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस और भी है, बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इतना ही है। ठीक है,